भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। पटना सिटी के बाईपास थाना पुलिस ने रानीपुर चकिया से पीछा करते हुए शराब तस्करों को शराब के साथ रंगे हाथों करणपुरा गांव में गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर उस वक्त की है जहां बाईपास थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जूट के बोरे में बंद चार बोरा देसी शराब के साथ दो तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पांच मोटरसाइकिल पर शराब रखकर शराब तस्कर डिलीवरी देने जा रहा था कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की और शराब तस्करों को खदेड़ कर कनपुरा गांव में पकड़ लिया। और काफी मशक्कत के बाद शराब तस्कर रंगे हाथों पुलिस के हाथे चढ़ गया। गिरफ्तार शराब तस्करों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। सलाम की डिलीवरी कहां देनी थी और किसको देनी थी, जिसका पता लगाने में पुलिस जुटी है। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। गुप्त सूचना मिली कि लगभग चार पांच जो है बाइक के साथ अवैध शराब जो है रखकर जो है वो रानीपुर चकिया से वो मर्चा मर्ची रोड की तरफ जा रहे हैं। उस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन कर हम लोगों ने उसका पीछा किया और पीछा मर्चा मर्ची रोड से लगभग 200 मीटर आगे तक जाकर उसको जो है खदेड़ कर उसको पकड़ा गया, जिसमें तीन बाइक और बाइक सवार दो व्यक्ति को और चार बोरा लगभग 280 लीटर देसी शराब के साथ वो बरामद किया गया, उसे पकड़ा गया, जिसमें एक व्यक्ति जो है भागने में सफल हो गया लेकिन उसका बाइक को रिकवर किया गया है। क्या नाम है सर और कहाँ के रहने वाले हैं? वो उसका नाम है मुकेश कुमार और ये रहने वाला है, ये वैशाली जिला का रहने वाला है और रसूल रुस्तमपुर का रहने वाला है और एक दूसरा है विरंजन कुमार जो कि ये किला रोड चौक का रहने वाला है और इस सबका आपराधिक इतिहास भी जो है खंगाला जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर कि शराब माफिया से इन लोग का साठगांठ हो सकता है? शराब माफिया से तो साठगांठ है ही और एक जो बाइक बरामद हुई है वो कुछ दिन पहले हम लोग के यहाँ चोरी का FIR दर्ज किया गया था, उसमें से एक जो है वो बाइक की पहचान की गई है।